फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शरद। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट शरद टेक। फ्रेंड्स, आज 24 अगस्त, आज के दिन में हम लोग एनालिसिस करेंगे छोटा सा एंड टारगेट लेकर चलेंगे। जे ये एक्सपायरी मीन्स अगस्त एक्सपायरी तक बजाज फाइनेंस का टारगेट 3600 होगा क्या। मैं तो बोलता हूँ 3600 ये कल परसों तक हम लोग को मिल जाना चाहिए, जो कि मैं सोचता हूँ बुधवार तक एक्सपायरी से पहले हमको ये टारगेट मिलना चाहिए। तो क्या है हम लोग देखते हैं यही छोटा सा वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरा चैनल में न्यू हो, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल रीड कर रहे हो, आपको मैं एनकरेज करूँगा वीडियो को पूरा देखिए। और आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगेगा तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और लाइक कमेंट शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हो, मैं एक वोडाफोन आइडिया का वीडियो अभी भी पोस्ट किया है, वो भी आप जाके वॉच कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मेरा फ्री इंट्राडे कॉल में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिधर की इक्विटी ऑप्शन एंड फ्यूचर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइन करता हूँ जो कि एब्सोल्युटली फ्री आपके लिए। उसके लिए क्या करना है ना, आपको जीरोधा नहीं तो अलायंस ब्लू में एक डिमांड अकाउंट ओपन करेगा और ओपन करने के बाद उसका यूजर आईडी का स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए। मैं आपको मेरा सपोर्ट ग्रुप में, लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप में मैं आपको जोड़ दूंगा, जिधर की आपको पर डे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल प्रोवाइड किया जाएगा। उसका एक्यूरेसी क्या है, मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो जाके उधर से जाके आप चेक कर सकते हो पर डे का सपोर्ट ग्रुप का कैसा काम मैं मेरा पब्लिक टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बजाज फाइनेंस का टॉपिक को। बजाज फाइनेंस ने आज धुआंधार बैटिंग किया है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। आप देख सकते हो 24 अगस्त का बजाज फाइनेंस का 3493 का क्लोजिंग 104 पॉइंट का गेन के साथ। प्रीवियस क्लोजिंग आप देख सकते हो 3389 का था, ओपनिंग हम लोग 3400 का ऊपर दिए थे एंड हाई 100 पॉइंट ऊपर, जो कि 100 पॉइंट का ऊपर हम लोग का हाई मारे थे, जो कि 3515 के पास। और बात करेंगे लो की, लो आज जिधर है ओपनिंग आज उधर ही है, लो और ओपनिंग सेम टू सेम है। इसमें हम लोग हाई मारे है 103 पॉइंट का हाई के साथ क्लोजिंग दिए है आज का दिन में। तो फ्रेंड्स, आज का दिन का जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देख लेंगे, एक बार नज़र डालेंगे, आप देख सकते हो 16% का डिलीवरी आज का दिन में गया है, जो कि बहुत ही एनकरेज करता है, जो कि मंथ एंड में इतना बड़ा डिलीवरी जाता है जो कि बजाज फाइनेंस का ऊपर। मार्केट आज बहुत ही इनकरेज था, उसके वजह से बजाज फाइनेंस भी बहुत अच्छा टारगेट दिया है हम लोग को। बट हमारा नेक्स्ट टारगेट मीन्स ये एक्सपायरी तक हम लोग इसको किधर तक देख पाएंगे, उसका ऊपर हम लोग नज़र डालेंगे चार्ट का ऊपर। मैं फ्रेंड्स चार्ट के ऊपर आ चुका हूँ, मेरा पास ये जो जीरोधा का मैं काइट का ये प्लेटफॉर्म ओपन किया है और वन डे का। अगर आप चाहते हो जीरोधा में डिमांड अकाउंट ओपन करना, नहीं तो अलायंस ब्लू में अकाउंट ओपन करना, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक में क्लिक करके ओपन कीजिए और मेरा सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, जैसे कि आपको मैं पर डे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल प्रोवाइड कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, मैं वन डे का चार्ट लगाया है और आप देख सकते हो ये RSI, एक मिनट फ्रेंड्स, ये RSI अभी का RSI का सिग्नल आपको देख सकते हो 63% का तेज दिखा रहा है। मीन्स इसमें ये बोल रहा है जे मैं और 3600 को टच करने के लिए मेरे को कोई नहीं रोक पाएगा, जो कि आप इधर देखेंगे हम लोग चार्ट के ऊपर से। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो रेजिस्टेंस है 3570 का, ये रेजिस्टेंस को हम लोग कल यूं ओपन तोड़ देंगे मुझे ऐसा लग रहा है। बट क्यों ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को, आप देख सकते हो फ्रेंड, बजाज फाइनेंस का आज जो कि पूरा 7 दिन एक वीक का जो उसका जो कामकाज चल रहा था, 7 दिन का काम आज एक दिन में ख़त्म कर दिया है बजाज फाइनेंस। नीचे का लेवल में कुछ जगह ही नहीं छोड़ा वो कैंडल को, पूरा का जो कि वो अपर साइड में जाकर आज क्लोजिंग दिया और वो भी बहुत ही शानदार 100 पॉइंट गेन के साथ। आप ये बोल सकते हो कल परसों और तरसों मीन्स थर्सडे तक मेरे को ये टारगेट 3600 प्लस लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो अभी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और इसमें जो हिसाब से शॉर्ट कवरिंग आ रहा है, मैं बोलूँगा इसको अभी कोई नहीं रुक पाएगा ऊपर जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो इसका जो नेक्स्ट टारगेट जो बनकर आ रहा है एक्सपायरी तक 3600 मेरा जो अनुमान है,
अनुमान में मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं जो मैं सही रहेगा। अगर आप मेरा ट्रेड मेरा व्यू लेकर काम करना चाहते हो, एक बार आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर रहेंगे, कोई आपका जो आप खुद ही अगर एनालिसिस करते हो, एक बार आपका खुद का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद कोई भी कदम उठाने का। अगर आप मुझे बोलोगे जो इसका एसएल हम लोग क्या मेंटेन करना चाहिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आपको एसएल आज का दिन का लो, आज का दिन का लो को एसएल मेंटेन कीजिए और उसमें बने रहिए 3600 का टारगेट के लिए, जो कि 2 से 3 डे का अंदर आपको मिलना तय है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आप देखना ये वीडियो में आपको कितना परसेंटेज एक्यूरेसी मिलता है, आप बात करेंगे हम लोग 2-3 दिन के बाद। चलिए फ्रेंड्स, ये मैं छोटा सा वीडियो में आप लोग को अपडेट दे दिया है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसमें मैं पूरा का पूरा बाजार का हालचाल में अपडेट देता हूँ, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सकता है। चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।